हानी में विगत 23 दिसंबर को राजद नेता रवि यादव के हत्या के आज इतने दिनों के उपरांत भी पुलिस प्रशासन केस का मुद्दे का उद्भेदन करने में असफल रहा। इसके लिए यहाँ पे हमारे पूर्व विधायक पहलवान जी आए हुए हैं और इन्हीं से हम सुनते हैं कि प्रशासन ने अब तक क्या किया, किस तरह से मदद किया। देखिए, जुआ राजद के नेता रवि यादव गढ़हानी प्रखंड इलाके के चर्चित नेता थे, जिन्होंने हर गरीब के, किसान के, नौजवान के, अब पार्टी धर्म से ऊपर उठकर सभी से मिलजुल कर काम करते थे, सभी लोगों के दुख सुख में काम रहते थे। लेकिन 23 दिसंबर 2020 को वे सहंगी से, मदुरी से, वह एक श्राद्ध क्रम से लौटकर अपने घर आ रहे थे, उसी के दौरान उनको किसी ने उठा लिया और रात में हत्या कर दी और लाश को फेंक दिया। भोर में लोगों ने रात भर खोजते रहे, सुबह में लाश मिला और 24 दिसंबर को रवि यादव के शव के साथ हजारों यहां के नौजवान, किसान, हर पार्टी के लोग गढ़हानी बाजार पर शव के साथ बैठे हुए थे कि इनकी हत्यारों को गिरफ्तार कीजिए, इनको न्याय चाहिए। डीएसपी के द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम 72 घंटे के अंदर गिरफ्तारी कर लेंगे, हम हत्यारों के नज़दीक में पहुंच गए हैं, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद हम 6 तारीख को उनके पीड़ित परिवार से मिले और हमने कहा कि हम पुलिस महानिदेशक से मिलेंगे और हमने 8 जनवरी को पुलिस महानिदेशक से मिल करके ज्ञापन सौंपा और कहा कि यह घटना दुखद है और इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश है, आप तत्काल हत्यारों को गिरफ्तार कीजिए। उन्होंने कहा कि एसपी को फ़ोन किए कि तत्काल गिरफ्तारी हो और हमने जो लिखा था उस पर फॉरवर्डिंग कर दिए, लेकिन नहीं हुआ। पुनः 13 जनवरी को उनके श्राद्ध क्रम में सभी पार्टी के लोग वहां पहुंचे, श्रद्धांजलि सभा हुआ, वहां पर भी निर्णय हुआ कि अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, हम लोग को आंदोलन करना चाहिए। फिर तय हुआ सभी लोगों से कि नहीं, एक बार पुनः हम लोग एसपी से हम लोग मिले, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बना। 18 जनवरी को प्रतिनिधिमंडल मिला, फिर एसपी के द्वारा कहा गया कि हम 4 दिन में गिरफ्तारी कर लेंगे, नहीं हुआ। 21 तारीख को जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने भेड़ी आए थे, उन्होंने परिवार से मिला, वहीं पर सभी लोग, हजारों के लोग संख्या में थे, वहीं पर तय हुआ कि अब यह बगैर आंदोलन का यह उद्भेदन नहीं होगा। पुनः वहीं पर पप्पू यादव ने स्वयं पुलिस महानिदेशक से फोन से बात किए कि अभी तक घटना का उद्भेदन क्यों नहीं हुआ, एसपी से बात किए। पप्पू यादव को भी एसपी और डीजीपी ने कहा कि 4 दिन में घटना का उद्भेदन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उसी दिन तय हुआ कि 27 तारीख तक नहीं हुआ तो 28 तारीख को सर्वदलीय थाना का घेराव करेगा, थाना पर बैठने का काम करेगा। 25 को यहाँ पर मार्च निकला, कैंडल मार्च निकला और आज हम लोग थाना पर बैठे थे शांतिपूर्वक, हजारों की संख्या में इस इलाके के सभी लोग थे, हर पार्टी के लोग थे। थानादार और इंस्पेक्टर ने आया, कहा कि हम लोग घटना का जांच कर रहे हैं, हम लोग, हमको कुछ और समय दीजिए। हम सभी लोगों से अपने बीच जो भी पार्टी के लोग थे राय हुआ और राय हम लोग मशिवरा किए कि क्या होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आए थे कि हम लोग अनिश्चितकालीन बैठेंगे, लेकिन सभी साथियों का, सभी पार्टियों का, सभी लोगों का यह सलाह हुआ कि चलिए एक बार और मौका इनको दे दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमको 1 सप्ताह 10 दिन का समय दीजिए। हमने कहा 10 दिन नहीं, 12 दिन नहीं, 15 दिन का आपको हम समय दे दिए। 15 दिन के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुआ, हत्या का उद्भेदन नहीं हुआ, तो 15 दिन के बाद अगर हम आएंगे और जो भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं हजारों की संख्या में, इससे दोगुना की संख्या में लोग आएंगे और उस बार यहाँ से उठेंगे नहीं, रात दिन आपके थाने के अंदर बैठेंगे कि जब तक हत्या का उद्भेदन नहीं हो जाए। कोई दूसरा तरह से प्रशासन ने मदद किया क्या पीड़ित परिवार को? मदद का किया, कुछ मदद नहीं, दुर्घटना पर कुछ नहीं, कुछ मदद का कुछ कुछ मदद नहीं हुआ, कुछ मदद नहीं हुआ। पैसा की जरूरत नहीं है, पैसा के लिए हम लोग भी
इंसाफ चाहिए। और हम लोग सभी लोगों ने कहा है कि रवि यादव का जो एक लड़की हुआ है, उसको हम लोग सार्वजनिक रूप से सभी लोग अपने से मिल करके, सभी पार्टी सभी लोग से मांग करके 1,00,000 रुपया हम लोग उसके लड़की के नाम में जमा कर देंगे और उसका गेट भी बनेगा। और सभी वहाँ के पंचायत के लोगों ने भी निर्णय किया है कि उसके पत्नी को वहाँ से लड़ाया जाएगा आपकी पंचायत चुनाव पंचायत में मुखिया प्रत्याशी। हाँ, क्योंकि वह 40 वोट से हार गया था तो उसको पत्नी को जिता करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि दिया जाएगा, यह निर्णय सभी लोगों ने किया है। अच्छा सर, जो FIR हुआ है थाना में हत्या के संबंध में, तो उसमें कोई नामजद अभियुक्त नहीं? नामजद किसी को लोग जानता ही नहीं है, वो किसी से दुश्मनी ही नहीं था। और सर फोन कॉल का कोई डिटेल नहीं मिला? अभी कुछ नहीं हुआ है अभी, जबकि सर्विलांस से तो बहुत कम समय का काम था। बहुत कम था, प्रशासन निश्चित रूप से इसमें लापरवाही किया है, लेकिन हम लोग दबाव बनाए हुए हैं। अभी नहीं होगा समय दिए हम लोग, फिर सगरी हम लोग जन जागरण अभियान चलाएंगे और 15 दिन के बाद अगर नहीं हुआ तो हम लोग आपके लिए बैठेंगे तो उठेंगे नहीं। हो रही हत्याओं से आम जन में जो भय व्याप्त है वो आज यहाँ पे आप सबके चेहरा पर देख सकते हैं। कोई नहीं जानता है कि किसका कब नंबर लग